हम खड़े हैं इस समय संजय गांधी नगर स्थित बालू अड्डे पर। यहाँ पे सूचना आ रही है कि गंदा पानी पीने की वजह से लमसम 20 लोगों की तबीयत खराब हो गई है, उनको डायरिया हो गया है। काफ़ी लोग सिविल अस्पताल में भर्ती होने के लिए गए हुए हैं और यहाँ 1 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। उसे सुबह 4 बजे उल्टी दस्त चालू हुई, उसको सिविल अस्पताल ले जाया गया है। सिविल अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। बच्चे का नाम हमजा है और उनके पिता का कहना है कि यहाँ के मोहल्ले में सीवर लाइन का काम चल रहा है, सीवर लाइन के काम के चलते घरों में पानी गंदा आ रहा है। लमसम कितने लोग गंदा पानी पीने से बीमार है? अरे कम से कम यहाँ पे मेरे जान में तो 20 से 30 लोग हो चुके हैं। और सब तरफ पूरे बालू अड्डे में, इस गली में तो कम से कम 6-7 मरीज है, प्लस जो है पूरे बालू अड्डे में हमने जिन जिन से कॉन्टेक्ट किया तो कोई ना कोई इसके जस्ट बगल वाले गली में, उस गली में भी 3-4 लोगों को यही दिक्कत है। 3-4 लोग ये सब गंदे पानी पीने की वजह से सब बीमार, गंदा पानी पीने की वजह से हो रही है, साफ सफाई ना होने की वजह से हो रही है। यहाँ काम करता है, यहाँ साफ सफाई नहीं है, पानी गंदा है। क्या यहाँ सीवर बार बार बहाई करता है? जितना सीवर बह रहा है कोई ख्याल दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है, कोई सफाई नहीं, सीवर बह रहा है। सप्लाई का पानी गंदा आने की वजह से लमसम मोहल्ले के 20 लोग बीमार हो चुके हैं और काफ़ी लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। और स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम अभी तक यहां पे हाल जानने नहीं आई है, बल्कि अभी भी लमसम 20 लोग बीमार पड़े हुए हैं। कुछ लोगों के बच्चे अभी भी घर पे हैं और पर स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम अभी तक यहाँ आई नहीं है जो यहाँ के मोहल्ले में बीमार लोगों की जाँच करें।